Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. यमुना ने चुपके से सुन ली है सारी की सारी योजना, तो क्या हो जाएगी योजना फेल? क्या हो जाएंगे अहिल्या खंडेराव असफल? नमस्कार, वेलकम टू हंगरी स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। तो दोस्तों, बात करते हैं मेरे भाई गुजारिश, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल हंगरी स्पिरिट्स सब्सक्राइब नहीं किया, वो वीडियो के नीचे दिया गया लाल बटन दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। तो दोस्तों, आपने देखा कि गुरु जी की क्लास से जो लेके लेसन लेके शिवाजी राजे महाराज से एक सीख लेके जो हिंट प्राप्त करके अहिल्या और खंडेराव ने प्लानिंग तो कर ली है, और लेकिन प्लानिंग को आगे बढ़ाने के लिए तुक्कु जी से के साथ विचार विमर्श कर रहे हैं। प्लानिंग ये है कि भेष बदल के जाएंगे और वहां पे उसके घर से वो पेपर उठा लेंगे शाहूकर किशन के घर से। तो गुरु जी कहते हैं कि तुम चले तो जाओगे, लेकिन तुम लोगों को पता होना चाहिए कि वहां पे तिजोरी कहाँ पे है। तो ये है इन लोगों की प्लानिंग, क्योंकि ओरिजिनल पेपर जब इनके हाथ में आ गया, क्योंकि पेपर का ये देखेंगे कि ओरिजिनल पेपर जो तिजोरी में पड़ा है कि वो पेपर की क्या है सच्चाई। तो लेकिन इतने में हम देखते हैं कि भैया पूरी की पूरी बात इनकी यमुना सुन रही है, यमुना खड़ी है। यमुना के बारे में एक बात कहूं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि कभी नहीं सुधरते। यमुना की इतनी किरकिरी हुई, इतना कुछ हो गया, अभी तक जो है द्वारका भाई साहब ने माफ नहीं किया, फिर भी वो अपने जो आदतों से मजबूर है, बाज नहीं आती है, फिर भी वो छुप छुप के इनकी बातें सुन रही है। अब इनकी बातें छुप छुप के सुनने के बाद अब वो क्या करेगी और कहां जाके आग लगाएगी, इस योजना के बारे में किसको बताएगी, क्योंकि गुरु जी अगर आएंगे तो ही बता सकती है। द्वारका भाई साहब इनकी बात सुनती नहीं है, तो कैसे आग लगाएंगी इस योजना को लेके, वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। धन्यवाद।